शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे अभिराज। आज तुम्हें मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आज की रात 7 बजे तक तुम्हें मुझे अपनाना होगा अधिराज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बहुत गलत होने वाला है? अधिराज कहाँ हो आप? ये सब क्या कर रही हो कनक? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये क्या है? चलो मैं बता देती हूं, ये प्रेम है, सच्चा प्रेम जो बचपन से मैंने अधिराज के साथ किया है। और एक और बात, तुम्हारा पति मेरा हो चुका है क्योंकि हम एक हो चुके। अगर ये प्रेम होता तो तुम्हें अधिराज को पाने के लिए काली शक्तियों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। और एक बात, वशीकरण करने वाले कभी प्रेम नहीं कर सकते। ये हम कहां पर है और ये सब क्या हो रहा है? वही तो हम जानना चाहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? राजा साहब ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, हमारा तो सब कुछ लूट गया, अब कौन करेगा हमसे विवाह? राजा साहब ने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारे साथ क्या हुआ है हमें नहीं पता है, पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो कह रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं। ये झूठ बोल रही है। अपराध राजा साहब ने नहीं बल्कि इसने किया है। इसने राजा साहब पर वशीकरण विद्या का प्रयोग किया था। एक तो हमारी इज्जत लूट गई, उसके ऊपर हम पर इतना बड़ा रोग, इससे बेहतर है कि हम मर ही जाए। अब हमें कौन स्वीकारेगा? एरो, राजा साहब को इनसे विवाह करना पड़ेगा। हाँ हाँ, राजा को न्याय करना होगा और इस अबला को सहारा देना होगा। देखिए, ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। नहीं राजा साहब, एक अबला नारी के आंसू झूठ नहीं बोल सकते। ये कोई अबला नारी नहीं है बल्कि ये एक चुड़ैल है और ये आप सबको धोखा दे रही है। धोखा इसने नहीं राजा साहब ने दिया है, हम सबके भरोसे को तोड़ा है। एक औरत की इज्जत को लूटना बहुत बड़ा पाप होता है, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ, आपको हम सबके सामने इससे विवाह करना होगा। मुझे कनक का सच सबके सामने लाना ही होगा। ये लो, समय आने पर ये तुम्हारी सहायता करेगा। अब जल्दी करो, तुम्हारे पास समय कम है।
देखिए इसे, मैंने आप सबसे कहा था ना कि ये एक चुड़ैल है। मेरी शक्तियों का तुम्हें अंदाजा नहीं है सुनैना। आज जीत सिर्फ मेरी होगी, मेरी। आज तो तुम्हें मरना होगा सुनैना, और फिर मेरा अधिराज सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। कनक ने गांव वालों को भी वशीकरण विद्या का प्रयोग किया, तभी तो उसकी सारी बातें सच लग रही हैं। मुझे इन गांव वालों को मुक्त करना होगा। नहीं, ये हम लोग कहां आ गए? ये तो चुड़ैल है। इसका मतलब इस चुड़ैल ने हम सबको अपने बस में कर रखा था। चिंता मत करो, ना तो ये सुनैना रहेगी और ना ही ये दर्द। सुनैना! कब से तुम्हें मारने का स्वप्न देख रही थी सुनैना, और आज ये पूरा होकर रहेगा। अब इतनी ऊंचाई से गिरकर प्राण दोगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा ना तुम्हें। आज तो तू मर कर ही रहेगी सुनैना। ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं। मारो इसे, खत्म करो इस चुड़ैल को। हाँ हाँ, खत्म करो इसे, मारो इसे, मारो चुड़ैल है ये। ये एक बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है, इसलिए इसे हम ही खत्म करेंगे। उसके बाद इसे कहीं दूर ले जाकर गाड़ देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम भी तो एक डाकनी हो, हम तुम पे भरोसा क्यों करें? हम सब इस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये बदल चुकी है। एक डाकिनी होने के बावजूद भी ये हमारी खुशी चाहती है। अब
सबने देखा ना कैसे हमें बचाने के लिए इन्होंने इतनी चोटें खाई। भरोसा कीजिए, इन्हें खुद से ज्यादा हमारी चिंता है। हाँ, और आज से हम भी पूरा विश्वास करते हैं हमारी माँ पर। आज से ये महल में वैसे ही रहेंगी जैसे पहले रहा करती थी। कहते हैं कि ये यहां से कोसों दूर चली जाए और फिर वापस कभी लौट करना। आदिराज, मैं क्षमा चाहती हूं। वो मैंने आपको कक्ष में नहीं देखा, इसलिए मुझे लगा इन सब के पीछे उस चंद्रलेखा का हाथ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उस पर संदेह किया। तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं सुनने। वो क्या है ना कि अपराधी को 100 बार क्षमादान दिया जा सकता है, किंतु विश्वासघाती पर दोबारा विश्वास नहीं किया जा सकता। हमने तुमसे कहा था ना सुनो, शायद मां बदल गई है। आज उन्होंने साबित कर दिया वो बदल गए हैं। बाहर निकालो, छोड़ो मुझे। मूर्ख चुड़ैल, तुझे क्या लगा कि तू सुनैना को मार देगी? देख लिया तेरी इस सोच का परिणाम। अब तू कठोर दंड के लिए तैयार हो जा, लेकिन दंड से पहले हम तुझे धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हमारा रास्ता आसान हो गया। आज तेरी वजह से हम अधिराज का विश्वास जीत पाए हैं। हम समझ चुके थे कि मंत्र लेखा से उनकी जान बचाने के बाद भी हम उनका विश्वास नहीं जीत पाए हैं, इसलिए हमने सुनैना पर नजर रखी। हम ये भी जान चुके थे कि हमारा पीछा करते करते सुनैना पिशाच लोक तक पहुंच चुकी है, इसलिए हमने वही कहा जो हम सुनाना चाहते थे। हम नहीं चाहते कि तुम पुनर्जीवित हो, इसलिए हम तुम्हें यही इस डाक भवन में गाड़ रहे हैं। जो भी हमारे बेटे की खुशियों के बीच आएगा उसका यही हाल होगा। उसके बाद भी हम उसका भरोसा नहीं जीत पाए, इसलिए हमने फिर तुम्हें उकसाया। बेवकूफ चुड़ैल, तुझ जैसी निर्बल और साधारण चुड़ैल किसी को क्या मारेगी? तुझ में इतनी शक्ति कहां ताकि तुम सुनैना पर हमला करो और हम उसे बचाकर उन दोनों का भरोसा एक बार फिर से जीत जाए। और तुमने तो ये मौका हमें 2 बार दे दिया, और आज एक बार फिर हम उन दोनों का भरोसा जीत चुके हैं, क्योंकि अधिराज ने एक बार फिर हमें माँ कहकर बुलाया। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे अंदर सर्पिका की शक्तियां हैं। अब मैं कोई कमजोर चुड़ैल नहीं हूं। Ha 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 ha!
क्या लगा कि तू सर्पिका तक अपनी मर्जी से पहुंची? अरे हमने पहुंचाया था तुझे, अगर उस दिन हम तुझे निर्बल कह के तेरा अपमान नहीं करते तो तू क्यों जाती इस सर्पिका के पास? इसका ध्यान रखने के लिए भी धन्यवाद। आज हमें अपने शिकार पर जाना था, पर तेरे कारण हम शिकार पर नहीं जा सके, इसलिए अब तू हमारा शिकार बनेगी। नहीं, नहीं। धीराज और सुनैना को कभी हम पर संदेह नहीं होगा और हम बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। शक्तियां अपने चरम पर होंगी और तभी मैं अपनी सिद्धि से इस सर्पिका को उसके वास्तविक रूप में लेकर आऊंगी और फिर ये मुझे चंद्रमणि तक पहुंचाई जाएगी। वो जिसको पानी का स्वप्न देखते तो सभी हैं, मगर पूरा किसी का नहीं होता, मगर मेरा ये स्वप्न जरूर पूरा होगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगी, कभी वृद्ध नहीं होंगी और महाशक्तिशाली डाकिनी बन जाऊंगी। हो सके तो मैं क्षमा करते धनराज, अब कनक हमारे बीच नहीं है, हमारे अटूट प्रेम के बीच कोई नहीं आ सकता। बता सुना ना, हमारा रिश्ता इतना अटूट क्यों है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम के साथ साथ अटूट विश्वास है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता सुना ना, कोई नहीं। बुलाया राजा साहब? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से काली शक्तियों के कारण हमारे जीवन पर कई संकट आए। आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि हमारी माता अग्निवंशी कुल की बेटी है, वो कुल जिसने हमेशा काली शक्तियों का डटकर सामना किया, उसे पराजित किया और उन पर विजय प्राप्त की।
इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे राज्य में कोई भी काली शक्ति की ना ही उपासना करेगा और ना ही उनका प्रयोग। मंत्री जी, आप यह सुनिश्चित करेंगे कि काली शक्तियों के प्रयोग करने वाले या तो हमारे राज्य छोड़ दें, अन्यथा वो दंड के भागीदार होंगे। जी राजा साहब। राजा साहब की जय। 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 राजा साहब का ये निर्णय प्रशंसनीय है। आपके इस निर्णय में प्रजा की सुरक्षा और भलाई निहित है। अर्थात राजा साहब ये चाहते हैं कि हम भी इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि हम भी एक काली शक्ति। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि जब से आप लौट कर आई हैं, आपने अपनी शक्तियों का प्रयोग हमारे लिए, समूचे राज्य की सुरक्षा के लिए किया है। उनको कभी क्षति नहीं पहुंचाई, इसीलिए हमारे राज्य से काली शक्तियों को ढूंढने और उनका विनाश करने की जिम्मेदारी हम चंद्रलेखा को देते हैं। ने हम पर भरोसा किया, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे राजा साहब। राजा साहब की जय। 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 अधिराज, आपने अच्छा किया जो चंद्रलेखा को काली शक्तियों का विनाश करने की जिम्मेदारी दे दी। आज तो बिल्ली के भाग्य से चीका फूट गया। जोर को ही घर की चाबी दे दी उस मूर्ख अधिराज ने। उसे तो ये भी नहीं पता कि काली शक्तियाँ अब कभी खत्म नहीं होंगी। क्योंकि अब काली शक्तियों का वास्तविक राज्य का प्रारंभ होगा।